सब्सक्राइब करें ग्लोबल चक्र न्यूज चैनल को और लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। जब से दीपक माहेश्वरी शिव वाहतूक सेना के अध्यक्ष बने हैं, तब से कुछ ही महीने के भीतर शिव वाहतूक सेना ने संपूर्ण महाराष्ट्र में अपनी नई ताकत और पहचान बना ली है। लगातार नए नए लोग दूसरी पार्टी छोड़कर शिव वाहतूक सेना में शामिल हो रहे हैं और लगातार महाराष्ट्र के कोने कोने से आए दिग्गज लोगों को नियुक्ति पत्र देकर पदभार सौंपा जा रहा है। आज सुबह से हमारी नियुक्ति का वो कार्यक्रम चालू है। सुबह नासिक के हमारे पदाधिकारी नाम ने नियुक्त किए हैं, जिसमें हमें ग्रामीण जिला के अध्यक्ष का नियुक्ति हमने आज किया है और मुलुंड से हम एक महिला का नियुक्ति कर रहे हैं। यहाँ पे हमने महिला को मुंबई के उपाध्यक्ष के पद पे लिया है। महिला काफ़ी जोश में काम करती हुई दिखी मुझे हमेशा और उनको एक चांस देना जरूरत है। इसलिए मैंने नियुक्ति महिला की यहाँ पर काफ़ी बड़ा पद है उनको दिया है और काफ़ी बड़े सोच से उनको दिया है इस चीज़ को मैंने। हमने आज एक एनसीपी के हमारी जो पदाधिकारी है जो सेक्रेटरी माइनॉरिटी की थी उनका हमने प्रवेश साहब के द्वारा बंगले पे लिया था, उनके आज पद की हमने नियुक्ति की है। उनको हमने चिटनीस महाराष्ट्र के पद पे लिया है और काफ़ी उम्मीद है कि वह हमारे साथ में कई लोगों को जोड़ेंगी और कई नए चेहरे हमारे इस रौनक में आएंगे। कई दिनों से मेरे पास मंच है कि कई पदाधिकारी आ रहे हैं नियुक्ति के लिए, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि सही वक्त के लिए और शायद हम काफ़ी बड़ी संख्याओं में मंचे के लोगों को हमारे साथ जुड़ेंगे। साहब का आशीर्वाद है और साहब के जो सोच है उस पर ही चल रहे हैं और बहुत दूर नहीं है, लेकिन मैं समझता महीने भर में ये वाहतूक सेना एक नए निर्माण पर जाएगी पक्का है, जिसको मतलब मैं ये बोलूँगा कि उनके लिए एक आशीर्वाद है साहब का, क्योंकि ये पद हम सोच से आगे सोच रहे हैं उनके लिए, लेकिन वाकई में एक काबिले तारीफ है उनके लिए और शायद ये उनकी तरक्की की बहुत बड़ी सीढ़ी है। अगर इस पे वो खड़े उतरे तो शायद आगे उनका मुकद्दर बड़ा लंबा होगा। बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे जो अध्यक्ष जी हैं दीपक जी महेश्वरी जी वो बहुत सपोर्टिव है और हम उनके नेतृत्व में काम करना चाहते हैं और हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम सभासद ज्वाइन करें और हम उनके अनुसार हम लोग काम करना चाहते हैं और शायद साहब भी खुश है इतने सभासद नए जुड़ रहे हैं और हमने एक बहुत बड़ी मजबूत टीम बनानी है जो हम लोगों की सेवा तक पहुंचे, जैसे ऑटो वाले हैं, टेम्पो वाले हैं, गाड़ी वाले हैं, ड्राइवर है, चालक है, सब उनकी जो भी समस्या है, लोगों की समस्या है, जितना हम तक से होता है हम ज़रूर से करेंगे। ये हमारे अध्यक्ष जी का आदेश है। महिलाओं को जोड़ने से बहुत फ़ायदा होता है, लाइक महिलाएं बहुत एक्टिव होती है। आप जैसे कि देखते हो कि महिलाएं जॉब भी करती है, घर भी संभालती है, बच्चे भी संभालते, तो इनका आप ये एक रूप भी देखिए कि वो राजनीति भी संभाल सकती है। उनको एक सही मौका मिलना चाहिए, उनको आप आगे करो। मेरी यही सबसे दरख्वास्त है, लेडीज़ लोग को आगे करो, उनको सपोर्ट करो, देखो आपकी टीम कितनी मजबूत होती है। और हमारे यहाँ जितनी भी महिला आई है सब काम करने वाली महिला है, एक आवाज़ पे इन लोग काम के लिए दौड़ जाएंगे, ना समय देखेंगे ना कुछ देखेंगे, बस एक फ़ोन, एक मैडम का फ़ोन चले जाता है, सब हाजिर हो जाते हैं। कैमरामैन बबलू राउत के साथ संध्या श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र न्यूज, मुंबई। सब्सक्राइब करें ग्लोबल चक्र न्यूज चैनल को और लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं।